हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम, वंदे मातरम। आज के वीडियो में हम साइड वाले वर्ड स्पेशल रूप से पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हमने फोबिया और मेनिया वाले 50-50 वर्ड हमने कंप्लीट करवाए हैं। तो ये जितने भी वर्ड हैं, इन वर्ड को एग्जाम में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, चाहे SSC हो, चाहे PSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, एयरफोर्स हो, किसी भी प्रकार का जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें इंग्लिश का जो आपका पेपर होता है उस इंग्लिश के पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक दो क्वेश्चन कंपलसरी पूछे जाते हैं। तो आज हम 50 वर्ड जो साइड वाले हैं वो कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर साइड लिखा हुआ, साइड का मतलब होता है हत्या। अगर किसी वर्ड के अंत में साइड लिखा हुआ मिले तो समझ लेना कि वो किसी ना किसी हत्या से रिलेटेड वर्ड है। जैसा कि मैंने फोबिया के बारे में बताया था, फोबिया का मतलब डर। अगर किसी वर्ड के अंत में फोबिया लिखा हुआ मिले तो समझ लेना कि वह डर से रिलेटेड है। अगर किसी वर्ड के अंत में मेनिया लिखा हुआ मिले तो समझ लेना कि वह पागलपन से रिलेटेड वर्ड है। इसी टाइप से अगर किसी वर्ड के अंत में साइड लिखा हुआ मिले तो समझ लेना कि वह हत्या से रिलेटेड वर्ड है, किसी की हत्या के बारे में पूछा गया है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों का एक शब्द, ठीक है, मतलब एक शब्द में उसका आंसर देना होता है। तो देखते हैं, सबसे पहला वर्ड है लिबर्टी साइड, ठीक है। पहला वर्ड है लिबर्टी साइड। देखो साइड का मतलब तो हत्या होता है, हत्या से रिलेटेड, और लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, है ना। लिबर्टी यानी क्या होती है? आजादी, आजादी, ठीक है, स्वतंत्रता, उसको लिबर्टी बोलते हैं। अब इसको याद कैसे रखना है, इसकी डेफिनेशन दी है डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबर्टी। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है नष्ट कर देना, तबाह कर देना, है ना। तो किसको नष्ट करने की बात हो रही है यहाँ पर? लिबर्टी की बात हो रही है, आजादी का हनन होना, आजादी की हत्या। अब आजादी की हत्या मतलब आजादी को खत्म करना, वो कहलाता है। तो उसको बोलते हैं लिबर्टी साइड। याद कैसे रखना? बड़ा इजी, लिबर्टी साइड को याद रखना। देखो यहाँ पर लिबर्टी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिबर्टी लिखा हुआ है, तो लिबर्टी से हम लिबर्टी लगा लेंगे और साइड आगे हत्या की बात हो रही है। तो इस वर्ड को याद रखने के लिए हमें किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि लिबर्टी से हमें पता चल रहा है कि इस डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबर्टी की बात हो रही है, तो वो कहलाता है लिबर्टी साइड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लूपी साइड। सेकंड वर्ड क्या है? लूपी साइड। अब लूपी साइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वोल्फ। वोल्फ को होता है भेड़िया, जो भेड़िया होता है उसको बोलते हैं वोल्फ, है ना। तो आपने देखा होगा जो भेड़िया के बारे में आपने कहानी किससे सुने होंगे, है ना, कि रात में ये अटैक करते हैं, है ना। तो ये आवाज कैसे निकालते हैं? इस टाइप की आवाज निकालते हैं। आपने किससे कहानी होंगी और टीवी के ऊपर जो सीरियल्स होते हैं उसमें इस टाइप की आवाज सुनी होगी। तो लू का मतलब ये यहाँ पर लू की साइड होती है, ठीक है। इस लू से हम लगा सकते हैं कि लू एक वुल्फ, एक भेड़िया आवाज निकालता है, और साइड का मतलब आपको पता है हत्या होता है। तो लूपी साइड मतलब किलिंग ऑफ वोल्फ, भेड़िए की हत्या करना, वो कहलाता है लूपी साइड, ठीक है। तो इस वर्ड को बड़े आसानी से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है मेट्री साइड। मेट्री साइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस आउल, मतलब खुद की माँ की हत्या करना, मदर की हत्या करना, वो होता है मेट्री साइड। मेट्री और साइड, है ना, मेट्री में क्या जुड़ा हुआ है साइड? तो मेट्री का मतलब होता है माता, मेट्री मीन्स माता, है ना। आपको पता है मदर स्पेलिंग में भी एम आ रहा है, मेट्री में भी एम आ रहा है ना। अब देखो ये मेट्री से हम मदर लगा लेंगे, मेट्री से क्या लगा हमें? मदर। मेट्री से क्या लगाएंगे हम? मदर, है ना। मदर मीन्स माता, और किसकी माता की हत्या की बात हो रही? खुद की, स्वयं की, आउन मदर। अगर खुद की माँ की हत्या अगर कर दी जाए तो समझ लेना वो कहलाता है मेट्री साइड, ठीक है। तो मेट्री मतलब मदर की बात हो रही है, खुद की मदर की बात हो रही है, इस टाइप से उसको याद रखना। नेक्स्ट वर्ड है मेरिटी साइड। मेरिटी साइड, तो मेरिटी साइड और मेरिटी साइड में जरा सा अंतर है केवल, है ना। इसका मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ किलिंग वंस स्पाउस। स्पाउस यानी क्या होता है? पति पत्नी। स्पाउस यानी पति पत्नी, है ना। स्पेशली द मर्डर ऑफ हस्बैंड बाई हिज वाइफ। मर्डर किसका हो रहा है यहाँ पर? हस्बैंड का। किसके द्वारा हो रहा? वाइफ, पत्नी के द्वारा। अगर पत्नी के द्वारा पति की हत्या कर दी जाए, पत्नी के द्वारा पति की हत्या कर दी जाए, तो उसको बोलते हैं मेरिटी साइड। उसको वीरी साइड भी बोलते हैं, वीरी साइड भी बोलते हैं। मेरिटी साइड और वीरी साइड दोनों कहा जाता है,
हत्या किसकी हो रही है? पति की। किसके द्वारा हत्या की जा रही है? पत्नी के द्वारा। ठीक है, यहां पर लिखा था एक्ट। एक्ट का मतलब होता है काम। कैसा काम? किलिंग। किलिंग का मतलब होता है मारने का। वंस स्पाउस है ना, स्पेशली। स्पेशली मतलब विशेष रूप से द मर्डर ऑफ हस्बैंड, विशेष रूप से हस्बैंड का मर्डर होना बाय हिज वाइफ, अपनी पत्नी के द्वारा। पत्नी के द्वारा पति की जो हत्या की जाती है उसको मेटिसाइड बोलते हैं, उसको वीरिसाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मेंटीसाइड, मेंटी और साइड। अब मेंटीसाइड क्या होता है? ए सिस्टमेटिक एंड इंटरनेशनल अंडरमाइनिंग। एक सिस्टमेटिक एंड इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय अंडरमाइनिंग। अंडरमाइनिंग का मतलब कम करना आप एक पर्सन, एक व्यक्ति की कंसेसस। कंसेसस मतलब का चेतना, माइंड, दिमाग, जिसको हम शॉर्टकट कह सकते हैं ब्रेन वॉशिंग। आपने ब्रेन वॉश का नाम तो सुना होगा, ब्रेन वॉश, ब्रेन वॉश करते हैं आतंकवादियों को, देखा होगा। अब आतंकवादी क्या करते हैं, किसी को आतंकवादी बनाते हैं तो उसका ब्रेन वॉश करते हैं। तो ब्रेन वॉश का मतलब ये नहीं कि उसका ब्रेन को किसी अच्छे साबुन से धो रहे हो ये नहीं होता है। ब्रेन वॉश का मतलब होता है किसी को मारोगे काटोगे है ना तो आपको जन्नत मिलेगी। अब इस टाइप से अगर मान लो उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए तो वो क्या होता है, वही सोचता है ना, वो आतंकवादी बन जाता है। अगर बच्चे को जन्म से ही अगर मान लो अच्छी शिक्षा दी जाती है तो वो ज्ञानवान बुद्धिमान बनता है, और अगर मान लो बुरी शिक्षा दी जाती है तो वो वैसा बन जाता है ना। अगर चोरी करने की शिक्षा दी जाए तो चोर बन जाता है, अच्छे संस्कार दिए जाए तो वो अच्छा व्यक्ति बन जाता है। तो ऐसा ही अगर मान लो व्यक्ति को, उसका व्यक्ति का अगर ब्रेन वॉश कर दिया जाए तो उसका माइंड चेंज हो जाता है ना, वो उसके बारे में सोचने लगता है, तो उसको बोलते हैं मेंटीसाइड। तो मेंटी से मतलब होता है मेंटर, वर्ड आता है मेंटी, और मेंटल शब्द किसके लिए होता है? मेंटल, मस्तिष्क के लिए मेंटल शब्द यूज होता है। कितना उसका मेंटल डिस्टर्ब है, सब बोलते हैं ना मेंटल मतलब मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, क्षतिग्रस्त है ना। तो वो मेंटी से आया, दिमाग की बात हो रही है, मेंटी का मतलब दिमाग की बात हो रही है, साइड का मतलब हत्या, मतलब दिमाग की हत्या कर देना। दिमाग की हत्या कैसे की जाती है? मतलब उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ना, उसका क्या कर दिया जाता है? ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, और जिसके बारे में उसको बताया जाता है केवल उसी की वो सोचता रहता है। नेक्स्ट वर्ड है माइटी साइड। माइटी साइड, ये माइटी साइड क्या होता है? एन एजेंट, एक एजेंट विच किल्स माइट्स, जो माइट्स को किल करता है, जो माइट्स की हत्या करता है वो कहलाता है माइटी साइड। अब देखो इसमें याद रखने के लिए ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, माइटी माइट्स लिखा है, क्या लिखा हो? माइट्स। माइट्स क्या होते मालूम है? कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे पिस्सू है, ईल, कुछ भी इन चीजों को अपन माइट्स कह सकते हैं। ठीक है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाए का मतलब होता है एन एजेंट विच किल्स माइट्स, जो माइट्स को किल कर दे वो माइटी साइड कहलाता है। ठीक है, तो बड़ा आसान है, माइट्स से हम याद रख सकते हैं माइटी साइड। यहाँ माइट्स लिखा है, यहाँ माइट्स लिखा है, पेरासाइट्स हो गया।
और यहां पर लिखा 13 सी की, दोनों सेम साउंड वाले वर्ड है ना। तो साइड का मतलब आपको पता है क्या होता है, साइड का मतलब इस वर्ड को कैसे याद रखा जा सकता है, बड़ा आसान है। तो पैरा साइड क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, क्या होते हैं परजीवी है। परजीवी का नाम तो आपको सुना होगा साइंस में, परजीवी इंग्लिश में बोलते उसको पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स की हत्या करना वो पैरासिटिसाइट कहलाता है, ठीक है। लास्ट वर्ड है पेरेंटिसाइड, किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, माता पिता की हत्या करना, माता और पिता, माता पिता की हत्या करना पेरेंटिसाइड कहलाता है। अब पेरेंट यहां पर लिखा हुआ माता पिता का, यहां पर पेरेंट लिखा हुआ, तो इस दोनों को हम रिलेट कर लेंगे, है ना, दोनों को मैच करेंगे। और साइड आपको पता है, साइड का मतलब हत्या होता, तो पेरेंटिसाइड मतलब माता पिता की हत्या करना। तो इस टाइप से हम इन शब्दों को न्यूमोनिक्स की सहायता से बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। ये शब्द काफी बड़े बड़े और डिफिकल्ट हमें नजर आ रहे थे, लेकिन हमने न्यूमोनिक्स की सहायता से इन सभी वर्ड्स को ईजी बना दिया है। तो इस टाइप से इन शब्दों को बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे कितने हुए, 30 वर्ड कंप्लीट हो गए। इससे पहले हमने 20 साइड वाले वर्ड कंप्लीट किए थे। यदि अभी तक आपने वो वर्ड कंप्लीट नहीं किए हैं तो उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, वहां से अटैच करें और वो पुराने वीडियोस हैं वो आपको ओपन हो जाएंगे, ठीक। वहां से अपन वीडियो को कंप्लीट करें और इस टाइप से पूरे शब्दों को अपनी फेयर कॉपी में नोट करें, एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देखें तो आपको सारे शब्द याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कितने वर्ड हो गए यहाँ पर हमारे, 30। हम 50 वर्ड यहाँ पर कंप्लीट करने वाले साइड में। चलिए इसको रिविजन कर लेते हैं, देखते हैं हमें कितना कुछ याद हुआ है, ठीक है। लिबर्टी साइड का मतलब होता है जहां पर लिबर्टी लिखा हो, मतलब आजादी की हत्या होती है उसको बोलते हैं लिबर्टी साइड, अगला डिस्ट्रक्शन होता है। लूपी साइड, लूपी से लू की आवाज को निकलता है, वोल्फ निकालता है भेड़िया, तो इस टाइप से उसको याद रख सकते हैं। मेटी मतलब माता, माता की हत्या कहलाती है मेटी साइड। मेरी की साइड, मेरी की साइड का मतलब कि हमें आया पति की हत्या, पत्नी के द्वारा पति की हत्या की जाती है उसको बोलते हैं मेरी की साइड। अच्छा इसको याद कैसे रखा सकते, मेरी इसमें इसको क्या पढ़ रहे हैं, मेरी पढ़ रहे हैं, मेरी है ना, क्या पढ़ रहे हैं मेरी, इसको मेरी जैसा साउंड दे रहा है, मेरी कैसा साउंड दे रहा, मेरी जैसा, और मेरी मतलब शादी, वो शादी होती है पति और पत्नी, और फिर बाद में पत्नी पति को किल कर देगा वो, फिर मेरी साइड उसको वीरी साइड बोलते हैं, ठीक है। मेंटी साइड का मतलब मेंटल रूप से ब्रेन वॉश किया जाए उसको बोलते हैं मेंटी साइड। माइटी साइड, माइटी साइड का मतलब माइंड्स को किल करने वाला एक एजेंट है जो किसको किल करता है, माइंड्स को, तो माइंड्स से माइंड लगा देंगे हम, माइट साइड के लगा है ना। मोलूस साइड, तो किलिंग ऑफ मोलूस, जो मोलूस होते हैं मतलब जो घूंगा होते हैं, घूंगा है ना, घूंगा को किल करने वाला मोलूस साइड के लगता है। न्यू नेटिव साइड, न्यू नेटिव साइड का मतलब होता है, न्यू मतलब नया, नेटिव मतलब जन्म, साइड मतलब हत्या, नए जिसका जन्म हुआ, जिसका अभी अभी जन्म हुआ, जिसने जो कि अभी एक शिशु है उसकी हत्या होना न्यू नेटिव साइड। पैरासिटी का मतलब क्या होता है, जीव होता है परजीवी है ना, तो पैरासिटी साइड का मतलब होता है परजीवी की हत्या करना। तो पैरासिटी से हम पैरासाइट लगा सकते हैं और साइड का मतलब हत्या होता है। पेरेंटी साइड मतलब पेरेंट्स एंड माता पिता होता, माता पिता की हत्या होती है उसको बोलते हैं पेरेंट्स साइड। नेक्स्ट वीडियो में हम 31 से लगाकर 40 और 41 से लगाकर 50 तक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।